हेलो फ्रेंड, मैं विमल अग्रवाल, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में कुछ फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग बात करेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हम इस चैनल के माध्यम से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली हुई फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग बात करते हैं। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली हुई फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है ये किस डिपार्टमेंट में निकली हुई है और ये स्टेट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। तो यहाँ पर अगर डिपार्टमेंट की बात कर लें तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट रहने वाला है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI डिपार्टमेंट के अंडर में ये वैकेंसी रहने वाली है फार्मासिस्ट की। आगे अगर हम पोस्ट की बात कर लें तो पोस्ट फार्मासिस्ट की रहने वाली है और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें तो आपके पास में 10+2 के साथ साथ डिप्लोमा इन फार्मेसी या फिर डिग्री इन फार्मेसी होना मैंडेटरी है, जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। और डिप्लोमा इन फार्मेसी या डिग्री इन फार्मेसी में आपकी जो परसेंटेज है वो मिनिमम 50% होना मैंडेटरी है। अगर ऐसा है तो ही आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें आपके पास आप एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए जम्मू एंड कश्मीर फार्मेसी काउंसिल में। उसके बाद बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको कंप्यूटर से रिलेटेड एंड मिनिमम 3 ईयर एज ए फार्मासिस्ट एक्सपीरियंस होना भी आपके पास में मैंडेटरी है। आगे अगर हम और बात कर लें इसके लोकेशन कहाँ रहने वाली है, वर्किंग लोकेशन कहाँ रहने वाली है, वर्किंग आवर क्या रहने वाले हैं, तो जो इस वैकेंसी की जो लोकेशन है, जो जॉब लोकेशन है, वो मेन ऑफिस बिल्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेल हेड कॉम्प्लेक्स जम्मू, ये इसकी वर्किंग जॉब लोकेशन रहने वाली है। वर्किंग आवर्स जो रहने वाले हैं यहाँ मेंशन किए हुए हैं एंड जो वर्किंग डेज रहने वाले हैं वो मंडे टू फ्राइडे रहने वाले हैं। आगे अगर हम इसकी सेलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें कि किस तरीके से इस वैकेंसी के लिए आपको अप्लाई करना है और आपका सिलेक्शन किस तरीके से या कौन से प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर ये वैकेंसियों के लिए सिलेक्शन होगा, तो सिलेक्शन प्रोसीजर की जब हम बात करेंगे तो बेसिकली किस तरीके से अप्लाई करना है ये हम आपको बाद में बताएंगे। पहले ये बताना, यहाँ पर बता रहे हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इसका। तो इंटरव्यू के थ्रू यहाँ पर फार्मासिस्ट को अपॉइंट किया जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर आपको अप्लाई करना है, अप्लाई किस तरीके से करना है आपको, आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एक लिंक दी हुई होगी या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक होगी, वहाँ पर क्लिक करोगे तो इस वैकेंसी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा। उस फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है और उसको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद में आपकी जो क्वालिफिकेशन, एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जैसे 10th 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, उसके बाद डिप्लोमा है आपके पास तो डिप्लोमा इन फार्मेसी की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, अगर डिग्री है तो डिग्री इन फार्मेसी की सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, उसके बाद आप एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं तो उसका एक सर्टिफिकेट, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कब तक वैलिड है उसका एक सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो इस तरीके के जो आपके रिलीवेंट एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको उनकी एक जीरोक्स कराना है और जो फॉर्म यहाँ से आपने डाउनलोड किया है, जो उसको फिलअप किया है, उसके साथ में उन डॉक्यूमेंट को आपको स्टेपलर करना है, अटेस्ट करना है और अपने सिग्नेचर से भी वो सारे डॉक्यूमेंट को अटेस्ट कर देना है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स की जीरोक्स आप लगा रहे हैं उन पर आपके सिग्नेचर होना मैंडेटरी है, जिससे वो आपके सेल्फ अटेस्ट हो सकें। उसके बाद एक एनवलप में उनको क्लोज करना है और दिए हुए एड्रेस पर वो आपको सेंड करने हैं। ये तो हो गया एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से आप सबमिट कर पाएंगे। देन उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा इस वैकेंसी के लिए वो हम यहाँ पर आपको क्लियर कर देते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू के तरीके से ही रहेगा। इंटरव्यू से आपको ये सेलेक्ट करेंगे और मिनिमम 10 कैंडिडेट को ये सेलेक्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए। और ये 10 कैंडिडेट कौन होंगे ये डिपेंड करेगा आपकी जो आप जो इनको एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं उस पर जो आप अपनी डिप्लोमा और डिग्री इन फार्मेसी की मार्कशीट आप इनको दे रहे हैं, तो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखेंगे, उस एजुकेशन के मार्क्स को देखते हुए ये 10 कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे और उनको इंटरव्यू के लिए कॉल जाएगा और उनको वेन्यू दिया हुआ होगा, उस वेन्यू पर जाके अपना इंटरव्यू देना होगा।
तो इस तरीके से ये वैकेंसी का प्रोसीजर रहने वाला है। आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर कोई भी क्वेरी है, आपको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इस वीडियो में कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली हुई फार्मासिस्ट की वैकेंसी के रिगार्डिंग अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुँच सके।